बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सेशन ऑफ कैंटर पब्लिशर। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न मैथमेटिक्स 7 चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 4। फॉर दिस पर्पस यू मस्ट हैव दीज थ्री बुक्स, टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 7, रिसोर्स पैक एंड समर पैक। हम मेन कॉन्टेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने थ्रू एक्टिविटीज आपको टीच करना है, और समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा बुक की तरफ। यूनिट 3 डेसिमल्स के बारे में है। इस पे हमने 3.1 टॉपिक कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू रैशनल नंबर्स किया था। 3.2 में हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को देखा, और 3.3 में हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पार्ट 3। इसका मतलब है कि इसी टॉपिक के ऊपर हमारा आज थर्ड लेक्चर है। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग एक SLO डिस्कस करेंगे। SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। यूज द फॉलोइंग रूल टू फाइंड वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग आर नॉट। हमने एक स्पेसिफिक रूल यूज करना है, उसको यूज करके ये बता सकते हैं विदाउट एनी डिवीजन उस रूल के मुताबिक हम ये देख सकते हैं कि जो गिवन रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखें, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 एंड आर 2 एंड 5, इनमें से ऐसा प्राइम नंबर, ऐसा रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 हो, या 1, इनमें से एटलीस्ट 1 हो या दोनों हो, देन एंड ओनली देन द रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा प्राइम नंबर जिसमें या तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, या दोनों होने चाहिए प्राइम फैक्टर्स। अगर नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा इस रूल को डिटेल से देखते हैं। अब आ जाएं बुक के पेज नंबर 42 के ऊपर। रूल टू चेक वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग आर नॉन टर्मिनेटिंग। वी नो दैट व्हेन वी कन्वर्ट अ रैशनल नंबर टू डेसिमल फॉर्म वी डिवाइड द नंबर बाय डिनोमिनेटर। इफ द डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट्स देन द रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड इफ द प्रोसेस डज नॉट टर्मिनेट देन इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये तो वो थ्योरी थी जो हम लोग प्रीवियस लेसन में स्टडी करते आ रहे हैं, तो उसको हम लोग डिवाइड करके देखते थे नंबर को। यूजली द डिवीजन प्रोसेस टू चेक वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग आर नॉन टर्मिनेटिंग इज कम्बरसम फॉर लार्ज नंबर्स। हेयर वी डिस्कस सिंपल रूल टू नो वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग आर नॉन टर्मिनेटिंग। हम यहां पर अब रूल यूज करेंगे। फर्स्ट, वी नीड टू फैक्टराइज डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर ऑफ द कॉमन फ्रैक्शन। इफ द डिनोमिनेटर हैज 2 और 5 आर बोथ 2 और 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, देन इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि जस्ट आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने हैं, और उसके बाद आपने देखना है कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए जरा 3/625। अब डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाए, क्या इसका जो फैक्टर है 5 फैक्टर है इसमें? डेफिनेटली है। जब 5 है तो दिस इज टर्मिनेटिंग। तो आप इसको डिवाइड करके देखें, 3 है, क्या 3/2, इसमें 2 है, डेफिनेटली है। 3/10, डेफिनेटली है। तो ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इनका फैक्टर 10 के फैक्टर में 2 आता है,
2 के फैक्टर में भी 2 आता है, 10 के फैक्टर में 5 भी आता है, इसमें 5 और 2 दोनों आ जाते हैं, तो या तो दोनों होने चाहिए या कोई एक होना चाहिए, तो देन जो नंबर होगा आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब देखें, मिक्स रिक्यूरिंग नंबर्स कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इन फ्रैक्शनल फॉर्म, ये हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपने इसको रीड कर लेना है, राइट द होल नंबर्स पार्ट, ये वही मेथड है जो मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था। तो स्टूडेंट्स उसी को यूज करते हुए इसको आप ट्राई करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। इफ द डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर्स अदर देन द प्राइम नंबर्स 2 and 5 आर, इस स्टेटमेंट का मतलब है या तो दोनों होने चाहिए, आर एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इज द प्राइम नंबर अदर देन 2 or 5 देन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, इनमें से जो है अदर देन इनके अलावा होने चाहिए तो फिर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इफ वी वॉन्ट टू नो वेदर 14/50 इज अ टर्मिनेटिंग आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, देन वी विल फैक्टराइज द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नोमिनेटर के फैक्टर्स कौन से हैं ये, तो आफ्टर कटिंग द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इज 5, भज जाता है, देखें ये 2 कट गया 7/ देयरफॉर 14/15 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, जब डिवाइड करके देखा तो ये चीज बन गई। हाउएवर इन दिस केस 55/21, इसमें देखें डिनोमिनेटर में इसमें कोई 2 फैक्टर है नहीं है, 3 and 7 है, ये अदर देन 2 or 5 है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए इसको डिवाइड करते जाएंगे ये रिपीट करता जाएगा तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 11, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। 2/250 को देखें, इसको आपने चेक करना है, अब इसके फैक्टर बने 2 or 1, इसके फैक्टर बने 1 to 5, 2/1 to 5, ये नंबर जो बनता है ये कट गया और ये 1/1 to 5 और ये 1 to 5 में 5 है फैक्टर, सो दिस नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल हैज, सो आफ्टर कटिंग वी गेट 5 एज द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, देयरफॉर इफ 2/50 इज कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल फॉर्म द रिजल्ट विल बी द टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, डिवीजन से कर लें या कैलकुलेटर से कर लें। अब यहां पर 40/9 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ऑब्जर्व हो रहा है क्योंकि जब आप कैंसिलेशन करते हैं ये कंटिन्यू ऑन होता है और ये खत्म नहीं होता, इसलिए ये जो नंबर है 40/9 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ, 3B है, पहले जो 2 लेसन हुए थे लेक्चर्स हुए थे हमारे उसमें आपने क्या किया था, इनको डिवाइड करके देखा था, या तो आपने कैलकुलेटर यूज किया था या आपने डिवीजन मेथड यूज किया था। अब आपने इसी क्वेश्चन में कॉपी के ऊपर यही क्वेश्चन करना है अगेन, और लेकिन आपने विदाउट यूजिंग एनी डिवीजन मेथड आपने ये बताना है ये नंबर्स जो है रैशनल नंबर्स डेसिमल्स हैं टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, यूजिंग दैट रूल, बाय यूजिंग रूल्स विच वी हैव स्टडीड इन दिस लेसन। अब यहां पर देखें कि इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल आर एंड विच ऑफ देम विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, आल्सो प्रूव योर स्टेटमेंट। अब आप देखें 22/33 दोनों के फैक्टर बनाओ, 2 × 11, 3 × 11, ये अदर देन 2 है, सो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये प्रूव भी हो सकता है जब डिवाइड करके देखेंगे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया, तो ये वर्क आपने होमवर्क में करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे, जो कि समर पैक में से है, और समर पैक में से भी आपने इसी तरह By using the rule, आपने ये चीज बतानी है कौन सा नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। 1/3 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है
उसके फैक्टर जो है अदर देन 2 और 5 है। सिमिलरली ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये आपने अपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है क्वेश्चन, और उसके बाद ये बुक और अपनी नोटबुक दोनों अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पार्ट 3, इसके ऊपर थर्ड लेक्चर था, और उसमें हमने ये रूल सीखा कि ये SLO था, यूज द फॉलोइंग रूल टू फाइंड वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग आर नॉट इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 और 2 एंड 5 देन एंड ओनली देन द रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये चीज हम सीख चुके हैं और अब हमने उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस भी की है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेक्चर। ड्यूरिंग द लेसन अगर फिर भी किसी चीज की आपको समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantopublisher.com। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू लेसन। अल्लाह हाफिज़।